शुभ अवसर पर आप सबको मेरी शुभकामनाएं। हम सब जानते हैं हर भारतीय को हिंदी भाषा कितनी प्यारी है। अगर कोई भारत के बारे में सोचेगा तो हिंदी भाषा अपने आप मन में आ जाते हैं। वैसा एक अटूट रिश्ता होता है हर एक भारतीय और हिंदी भाषा के बीच में। हिंदी हमारे दिल की भाषा है और सबके दिल को चमक देने वाली भाषा है। हिंदी भाषा को अपनाना और उसको अधिक चमक देना हर भारतीय का फर्ज है। ये फर्ज अच्छी तरह निभाने के लिए हम आज हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर हम अपने कार्यक्रम शुरू करते हैं। प्रार्थना गान प्रस्तुत करने के लिए बालप्रिया मंजुला को स्वागत करते हो। इतनी शक्ति हमें दे न दादा, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें दे न दादा, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दादा, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर प्यार के हो तेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितने भी थे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावन मन में बदली होना। हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दादा, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। नवीन कर्षा के अनुपम चिरोई हिंदी भाषा के अनुपम सौंदर्य के बारे में बोलने के लिए तैयार है। जरा अनुपम की बातों पर ध्यान दीजिए। हमें मालूम है हर साल 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत देश अनेकता में एकता वाला देश है। अपने विविध धर्म, संस्कृति, भाषाओं और परंपराओं के साथ भारत के लोग एकता और सौहार्द के साथ रहते हैं। भारत में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं में हिंदी सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली और बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी दिवस पूरे भारत में बहुत उत्साह और गर्व के साथ मनाया जाता है। इसलिए आज हम भी हिंदी भाषा का अनुपम सौंदर्य पर गर्व करते हैं और करते रहेंगे। सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। कविता लिखना सबको नहीं आती, मैं बड़ी खुशी के साथ कहती हूँ कि हमारी सहेली एमिल मैरिया भी कविता लिखने में समृद्ध है। अब हम सुनेंगे एमिल मैरिया की कविता उनके ही स्वर में। कविता का नाम है हिंदी जीवन की परिभाषा। हिंदी एक डोरी है जो सबको जोड़ती है। हिंदी एक डोरी है जो सबको जोड़ती है। हिंदी एक ऐसी चीज है जो किसी भी भाषा को एक सगी बहन जैसी मानती, एक सगी बहन जैसी मानती। हिंदी भारत का दिल है। हिंदी हिंदुस्तान की आवाज है। हिंदी भारत का दिल है। हिंदी हिंदुस्तान की आवाज है। हिंदी हमारे राष्ट्र का आधार है। हिंदी हमारे राष्ट्र का आधार है। हिंदी कालातीत भाषा है और हमारे जीवन की परिभाषा है। हिंदी कालातीत भाषा है और हमारे जीवन की परिभाषा है।
हमारे जीवन की परिभाषा है। भाषण देना वैसे तो उतना आसान काम नहीं है। लिस्टरे शिविर अपने भाषण के द्वारा सबका दिल जीत लेती है। अब मैं आपका ध्यान लिस्ट के भाषण की ओर भेजना चाहती हूँ। एक भाषा की आशा जिसका नाम हिंदी है। हिंदी केवल जुब्बा नहीं, देश के मानदीन की बिंदी है। नमस्कार, आज हिंदी दिवस को शुभ अवसर पर आप सबको हार्दिक अभिनंदन और बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हिंदी हमारी दिल की भाषा है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने निर्णय लिया था कि भारत की राजभाषा हिंदी ही होगी। इस दिन का मुख्य उद्देश्य भाषा का प्रचार और प्रसार बनाकर उसका विकास करना है। भारत का सम्मान है हिंदी। महात्मा गांधी ने हिंदी को जनमानस का भाषा कहा था। हिंदी एक सरल भाषा है। देश के हर नागरिक हिंदी चाहता है। दुनिया में लगभग मिलियन लोग हिंदी भाषी है, जिसकी वजह से हिंदी दुनिया में तीसरी सबसे अधिक जाने वाली भाषा है। हिंदी केवल राष्ट्रभाषा नहीं अपितु गौरव का प्रतीक है। हिंदी का गौरव आज दुनिया में बन रहा है। हिंदी का शोक आज दुनिया में फैल रहा है। धन्यवाद। हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि हैं श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान। मुरछाया भूल उनकी प्रसिद्ध कविता है। अब वर्षा मनोज मुरछाया भूल नामक कविता प्रस्तुत करने जा रही है। यह मुरछाया हुआ फूल है, इसका हृदय दुखाना मत। यह मुरछाया हुआ फूल है, इसका हृदय दुखाना मत। स्वयं बिखरने वाली उसकी पंखुड़ियां बिखराना मत। स्वयं बिखरने वाली उसकी पंखुड़ियां बिखराना मत। गुसरे अगर पास से इसके इसे चोट पहुंचाना मत। गुसरे अगर पास से इसके इसे चोट पहुंचाना मत। जीवन की अंतिम गेड़ियों में देखो इसे रुलाना मत। जीवन की अंतिम गेड़ियों में देखो इसे रुलाना मत। अगर हो सगे तो टंडे बूंदे टपका देना प्यारे। जलना जाए संदत हृदय शीतलता ला देना प्यारे। जलना जाए संदत हृदय शीतलता ला देना प्यारे। धन्यवाद। भावनाओं की दुनिया में घूमकर सुंदर कविता ये लिखना अन्ना जोशी का शौक है। हिंदी भाषा अपने लिए क्या होता? अन्ना जोशी अपनी कविता के माध्यम से यह बताना चाहते हैं। हिंदी अनुपम प्रति। भारत की अपनी भाषा है हिंदी, भारत की जान है हिंदी। भारत की अपनी भाषा है हिंदी, भारत की जान है हिंदी। भारत की सब जगहों को जोड़ने वाले भारत की सब लोगों के दिल में रहती। भारत के सब जगहों को जोड़ने वाली भारत की सब लोगों की दिल में रहती। हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी, एकता की अनुपम प्रतीक है हिंदी। हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी, एकता की अनुपम प्रतीक है हिंदी। सबका दिल जीत लिया है, सबका दिल जीत लिया है। हिंदी के बिना भारत अधूरा है, हिंदी के बिना भारत अधूरा है। थैंक यू। हिंदी दिवस के इन सुनहरे क्षणों को और सुंदर बनाने के लिए अनिला तेरेस प्रणाम तैयार थे। अल्लाह अपनी साफ शब्दों में हिंदी भाषा को मौलिकता और प्रभुत्व पर जोर देते हुए कुछ बताने जा रही है। भाषा जितनी उदार होगी उतनी ही लोकप्रिय होगी। हिंदी उदार भाषा के साथ साथ एक वैज्ञानिक भाषा है, जिसे जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है, जैसा लिखा जाता है वैसा ही उसका उच्चारण किया जाता है। दुनिया के लगभग 615 मिलियन लोग हिंदी भाषी है, जिसके वजह से हिंदी दुनिया में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी केवल हमारा मातृभाषा या राज्यभाषा ही नहीं, अपितु यह राष्ट्रीय अस्मिता और गौरव का प्रतीक है। राजभाषा हिंदी हमें भावनात्मक एकता के सूत्र में पिरोती है।
इस हिंदी के सम्मान में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिंदी को जनमानस की भाषा कहा था। आजादी मिलने के बाद लंबे विचार विमर्श के पश्चात आखिरकार 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का फैसला लिया गया। हम सबके लिए हिंदी दिवस और हिंदी भाषा अत्यधिक महत्व है। हिंदी हिंदुस्तान की राजभाषा ही नहीं, हिंदुस्तानियों की पहचान भी है। आप सभी को हिंदी दिवस की बधाइयां देते हुए मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। हिंदी साहित्य के प्रमुख गीतकार गुलशान जी की सुंदर कविता है ये खेल किसी। इस कविता का प्रस्तुतिकरण खास तौर से करने के लिए हमारे साथ है डेलना सुनी। हमारे प्यारे डेलने को स्वागत करें। ये खेल आखिर किस लिए? मन नहीं उगता, कई कई बार तो खेल चुके हैं। ये खेल हम अपनी जिंदगी में खेल खेला है, खेलते रहे हैं। नतीजा फिर वही एक जैसा, क्या बाकी रहता है, हासिल क्या होता है। जिंदगी भर एक दूसरे के अंधेरे में गोते खाना ही इश्क है ना, आखिर किस लिए। एक कहानी है सुनाऊं, कहानी दो प्रेमियों की है। दोनों जवान खूबसूरत अकलमंद, एक का दूसरे से बेपनाह प्यार। कसमों में बंधे हुए की जन्म जन्मांतर में एक दूसरे का साथ निभाएंगे, मगर फिर अलग हो गए। नौजवान फौज में चला गया, गया तो लौट के नहीं आया, लापता हो गया। लोगों ने कहा मर गया, मगर महबूबा अटल थी, बोली वो लौटेगा, जरूर लौटेगा। पूरे 40 सालों तक साधना में रही, वफादारी से इंतजार किया। आखिर एक रोज महबूबा को संदेश मिला, मैं आ गया हूँ, सिवान वाले मंदिर में मिलो। कहने लगी देखा मैंने कहा था ना। दौड़ कर गई मंदिर पहुंची पर प्रेमी ने ही दिखाई दिया। एक आदमी बैठा था एकदम बूढ़ा, पोपला मुख टाट गंजी आंखों में मई, बोली यहाँ तो कोई नहीं, जरूर किसी ने शरारत की है। मायूस होकर घर लौटे, निराश हो गया बेचारा, बोला उसने इंतजार नहीं किया। गृहस्थी रचा कर मुझे फूल गई, संदेश भेजा था फिर भी मिलने तक नहीं आई। किस लिए आखिर किस लिए ये खेल मन नहीं उठता। धन्यवाद। जब हम हिंदी भाषा के बारे में सोचते हैं तब सारे जहां से अच्छा वाला गाना हम बोल नहीं सकते, यानी हिंदी भाषा के साथ साथ ये गाना भी सब भारतीयों के दिल छू लेता है। अब हम सारे जहां से अच्छा का अनोखे ले सुनेंगे। Yes.
दोस्ता मारा मारा सारे जहां से अच्छा गोदी में खेलती है इसकी हजार नदियां गोदी में खेलती है इसकी हजार नदियां गुलशन है दिन के दम से रश के जना हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा मजहब नहीं सिखाता आपस में मर रखना मजहब नहीं सिखाता आपस में मर रखना हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा।